Today we will study about branched chain hydrocarbons. Okay, in this हम लोग क्या करेंगे, अब हम साइड चेन्स होती हैं, आप देखते हो ब्रांच चेन होंगी, साइड चेन होती है, इन साइड चेन्स को क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप्स. और इसको जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1. जैसे हमने एल्केन्स का पढ़ा था CnH2n+2, इसका है CnH2n+1. फॉर एग्ज़ाम्पल एल्केन जो है उसमें से आपको एन को माइनस करना है और आयल को बढ़ाना है, तो क्या हो गया, एल्काइल. ऐसे ही मीथेन है, उसका हो जाएगा मिथाइल, मतलब एक हाइड्रोजन हट जाएगा, मीथेन का क्या हो जाएगा, मिथाइल. ऐसे ही हम इनको और एल्काइल्स ग्रुप के बारे में आपको बताएंगे, जिससे थोड़ा इंट्रोडक्शन होने से आपको थोड़ा क्लियर होगा. जैसे हमने मीथेन कम से कम 10 पढ़े थे डेकेन तक, तो आपको क्लियर हो गया सबको कि एल्केन्स, मीथेन, इथेन या क्या फार्मूला और कैसे निकला है. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम एक टेबुलर फॉर्म बनाते हैं, ये मॉलिकुलर फार्मूला, यहाँ पे एल्केन आ गया, यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप आ गया. ओके, जैसे CH4 है, इसको हम एल्केन में क्या बोलते हैं, मीथेन. और जब इसमें से एक हाइड्रोजन हट गया जैसा भी अपन ने किया, तो ये हो गया CH3, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल. देखो इसको में आप डाल के भी देखोगे ना, तो देखो कार्बन वन है, H2 × 1+1, तो कितना आएगा, CH3. इस फॉर्मूले में डालोगे तो मिथाइल. ऐसे ही करके C2H6 क्या होता है, इथेन. इसमें से एक मास माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा, इथाइल, मतलब C2H5. पर हम C2H6 जैसे C2H5 नहीं निकलेंगे, रेदर देन हम ऐसे लिखेंगे CH2CH3. तो ये क्या अलग, ये क्या है, इथाइल C2H6CH3. अगर C2H6 को ऐसे लिखना है तो आएगा CH3CH3, इसको लिखना है तो CH2CH3. सो काउंट कर लीजिए, एक हाइड्रोजन हट गया C2H5, एक हट गया हाइड्रोजन इसमें, तो फॉर्मूला हो गया. नेक्स्ट है प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन था C3H8. ठीक है, तो ये C3H7 होगा, पर हम उसे कैसे लिखेंगे, CH2CH2CH3, जरूरी नहीं है डैश डालना, CH2CH2CH3, एन प्रोपाइल, इसको क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल. ओके, ऐसे ही ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या होता है, C4H10, इसको कैसे लिखेंगे हम, चार तो सी आने चाहिए, है ना, और ये चार सी हो गए, तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो C4H9 होना चाहिए, सी कितना है, कार्बन 1, 2, 3, 4, हाइड्रोजन कितना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C4H9, इसको बोलेंगे एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल. इसमें जो पी है ना, पी वैसे इसमें जो पी है ये छोटा ही आएगा, प्रोपाइल, ये एन ब्यूटाइल. ठीक है, फिर आएगा डेकेन, है ना, डेकेन होएगा आपका C10H22, C10H22.
तो इसमें हो जाएगा C10H21। तो H21 तक हम कितना सारा लिखेंगे, उसकी जगह हम कैसे लिखेंगे, CH2 होल पावर करके CH2 करके और 8 बाहर कर देंगे और इधर CH3। ये क्या हो जाएगा हमारा N डिसाइल डेकेन का। तो जब ज़्यादा नंबर होंगे तो हमें ऐसे उसे ब्रैकेट में डाल के बाहर ऐड कर देना है। तो 8 2 16 17 18 19 20 21, तो C10H20 डेकेन है, डेसाइल में एक हाइड्रोजन कम होगा तो ये कितना है C10H21। सी भी यहाँ 8 है, ये 9, ये 10, इट मीन्स वी हैव डन इट करेक्टली। ओके, क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ सम ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप।